हे फ्रेंड्स, आज हम शेप्स देखते हैं कि पावर पॉइंट में शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले कोई स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। ब्लैंक में कोई भी शेप है, आप देख सकते हो। होम टैब में है यहाँ पे शेप, और इंसर्ट में भी है शेप्स। यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स हैं, कोई भी शेप ले लो। जैसे मैंने ये शेप ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कोई भी कलर कर सकता हूँ। जैसे इसका इंटरनल है, इसका आउटर लेयर मैं ये कर देता हूँ। शेप जो फिल है, जो इसके अंदर का कलर है, वो मैं कैसे चाहता हूँ, मैं ऐसा कलर चाहता हूँ। शेप की जो आउटलाइन है, जो यहाँ पे थी, यहाँ पे दो तीन ही थी, तो मैं इसको और भी थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, शेप का इफेक्ट दे सकते हैं। शेडो अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देनी है तो कोई बात नहीं। तो हम मैंने क्या बताया, ये शेप, शेप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। शेप का जो आउटर लेयर है उसको कलर कर सकते हैं, शेप के जो अंदर रंग है फिल कर सकते हैं कलर, शेप का जो इफेक्ट है शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आप देना चाहते हो दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है शेप्स। मैंने टेक्स्ट बॉक्स बताया था, ध्यान है? तो टेक्स्ट बॉक्स का ये पॉइंट है, ये टेक्स्ट बॉक्स का पूरा पॉइंट है, ये इसका पॉइंट नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स का है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको अलाइनमेंट कर सकता हूँ। इसको मैं सेंटर में ला सकता हूँ, इसको मैं राइट पे क्लिक कर सकता हूँ, सेंटर वापस ला सकते हैं, मिडल में कर सकता हूँ, मिड में जाके फिर वापस से सेंटर कर, सेंटर क्या लेफ्ट में कर सकता हूँ, फिर राइट में कर सकता हूँ, या फिर सेंटर में, जैसा आप चाहते हो वैसा रख सकते हो। इसको रोटेट कर सकते हैं, देखा आपने, रोटेट हो रहा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं जैसा आप चाहते हो, इसका यूँ कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ ऐसे बढ़ती हैंगी। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, अलाइनमेंट, रोटेट करना, ये करना, ठीक है ना। और हम शेप को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को ये वाला शेप चाहिए प्लस वाला, तो शेप को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसा आपका मन बदल गया, नहीं यार मेरे को चेंज करना है शेप, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट में चाहिए, तो ऐसा आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है शेप। ठीक है, तो हमने क्या देखा, शेप को कैसे इंसर्ट किया, शेप में कलर कैसे किया, शेप की आउटर लेयर को कैसे कलर किया, शेप के अंदर फिल कैसे किया, हमने रोटेट कैसे किया, हमने अलाइनमेंट कैसे किया, हमने शेप की हाइट इंक्रीज डिक्रीज कैसे की, हमने इसको एडिट कैसे किया, शेप को बदला कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है शेप का चीज़। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ शेप में, जैसे ये है, जैसे ये शेप है, इसको मैं वाइट दे देता हूँ। अब मैं को इसको मर्ज करना है, ठीक है, दोनों को मिक्स करना है, ग्रुप करना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल। आप कीबोर्ड पे देखोगे कंट्रोल बटन देखेगा, तो वो दोनों बटन दबा देना और दोनों को सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे ये ग्रुप बटन ऑन हो जाएगा। जैसे ही सेलेक्ट करोगे दोनों, और ये ग्रुप बटन ऑन कर, इन दोनों को ग्रुप कर देना। ग्रुप करने से क्या होगा, ये दोनों एक से हो गए। अब मैं ये दोनों साथ ही लेंगे, साथ जाएंगे, साथ करेंगे, जो भी होगा सब साथ होगा। ठीक है ना, अब ये दोनों साथ हो गए, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अनग्रुप कर दूंगा। अब मैं दोनों को अलग अलग, मतलब अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब अलग अलग। अब देखो ये ग्रुपिंग हो रही है, आप देख रहे हो ये ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है ना। अब मेरे को ग्रुप करना है, तो क्या करूँगा, वापस से ग्रुप पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ये ग्रुप वाला खुल गया और इसको मैं ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, अब ये इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको अनग्रुप करना है, तो क्या करूँगा, अनग्रुप करूँगा, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ग्रुप अनग्रुप हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको सेंड बैक कर दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ, फ्रंट में ले आऊँ। एक मिनट, ये देखा ये आ गया, अब ऐसे पता नहीं चल रहा है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये आगे की तरफ आ गया, अब मेरे को पीछे की तरफ करना है, तो बैकवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो ये काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रुपिंग करना और अनग्रुप करना, और ये सब हमने सब देख लिया। ठीक है, अलाइनमेंट देख लिया, रोटेट देख लिया, और ये सब देख लिया। ठीक है, अब क्या बचता है, छोटी सी चीज़ बचती है, मैं आपको बताता हूँ, मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कोई स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, या मैं कुछ लिख देता हूँ,
ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या शेप डालना है मुझे, मैं शेप डाल देता हूँ कोई, जैसे ये शेप है। ठीक है, शेप डाल दिया मैंने, ढंग से देखना, मैंने शेप डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको वाइट दे देता हूँ, तो वो दिख नहीं रहा है टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर दूँगा, उसको बैकवर्ड कर दूँगा। एक मिनट, अब दिख रहा है आपको टेक्स्ट? तो ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये शेप है, शेप के अंदर मैंने इसको भेज दिया है। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसको कलर दे सकते हैं, इसके शेप को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने शेप दिया और शेप के अंदर क्या किया, उसको सेंड बैक कर दिया। तो जो जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ आ गया और जो बॉक्स है वो पीछे की तरफ आ गया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है शेप फिल करना। बहुत सारे शेप हैं, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, बहुत सारे शेप हैं यहाँ पे, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कर सकते हो करो, अपना क्लियर होगा। शेप फिल करो, शेप है, शेप को फिल करो, रंग भरो उसमें और उसको आगे लाओ पीछे लाओ, जो आपको करना है करो, फॉर्मेट पूरा जो भी है मैंने बताया वो करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेप को बड़ा छोटा करना, रोटेट करना, अलाइनमेंट करना, बैक करना, फॉरवर्ड करना और एडिट करना, शेप को एडिट कर सकते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। ये होता है शेप का ट्यूटोरियल, बहुत ईजी है। मैंने इससे पहले टेक्स्ट बॉक्स का ट्यूटोरियल बताया था, वो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।